हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है सुरभि और आप लोगों का मेरे चैनल आइकॉनिक सुरभि पर बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज है रक्षाबंधन का फेस्टिवल। मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए, एक मेकअप लुक। सो मैंने आज ये मेकअप लुक क्रिएट किया है रक्षाबंधन के लिए, जो कि बिगनर्स गर्ल्स को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखकर आप ये सीखिएगा कि ये बिगनर लुक मैंने कैसे क्रिएट या अचीव किया है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स के लिंक भी दूंगी और वो भी बताऊंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करके इस मेकअप लुक को अचीव किया है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरा है ये वेयर फेस और उसके बाद मैंने अप्लाई किया ये मामा अर्थ का फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि है ऑयल फ्री, जो कि मैंने अपने पहले नायका ऑर्डर में मंगाया था। इसको मैंने टैप टैप करके अपने पूरे स्किन पर अप्लाई किया है और अच्छे से इसको फिर ब्लेंड कर लिया है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़र देता है और ऑयल फ्री लुक देता है। और उसके बाद मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन यूज़ किया है, मेबलिन का, और इसको भी बहुत थोड़ा सा अपने हैंड पर लेके उसके बाद मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, डॉट डॉट करके आप अपने फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें। और ये फाउंडेशन सच में बहुत अच्छा है, आपको सच में बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता, बट हाँ, अगर आपकी स्किन फेयर है तो ये आपको मीडियम कवरेज दे सकता है। और ये मेरी स्किन टोन के साथ बहुत मैच करता है, थोड़ा सा वाइट है बट मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ। सो फिर मैंने इसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है। ये ब्रश ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर अपने अंडर आइज़ पे लगाया है। मुझे कंसीलर की वैसे हद तक तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कंसीलर कैसे यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने स्किन में ऐड किया है। और ये ये कंसीलर भी मेरे शेड का नहीं था, ये मेरे से एक डार्कर शेड का था, तो मैंने इसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स करके इसको यूज़ किया है। अगर आप किसी कंसीलर को मतलब क्या कहते हैं यूज़ करना चाहते हैं जो आपकी स्किन टोन से मैच नहीं करता है, बहुत डार्क है, तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र या क्रीम उसमें मिक्स करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी स्किन पर वो बहुत लाइट है तो लाइट तो चल जाता है बट डार्क नहीं चलता। सो इसलिए मैंने इसको इसके साथ मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड किया है फेस पे अपने पूरे, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी। और उसके बाद मैंने लैक्मे के फाउंडेशन कॉम्पैक्ट से अपना मेकअप को टचअप दिया है, एक हल्का सा टचअप दिया है मेकअप को लाइट, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे ज़्यादा फाउंडेशन की या ज़्यादा किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज़ मुझे इतना पिगमेंटेशन और ये सब मेरे फेस पर नहीं है। बस उसको बेक करने के लिए मुझे ये लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, सो मैंने किया। उसके बाद मैंने अपना ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लेके उसमें से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ किया है, जो कि मैं ये सूट आप देख सकते हैं पहने हुई हूँ, ग्रीन, थोड़ा सा मिंट ग्रीन कलर का है ये, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या ट्राई करूँ अपने आईज पे। सो उसी के हिसाब से मैंने कलर पिक किया और ये मैंने ग्रीन शेड पिक किया है, जिसको मैं अपने क्रीज पर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और आपको बहुत अच्छे से अपनी क्रीज पर इसको ब्लेंड करना है। आपको फिर मैं मेकअप लुक एक अलग से कभी ट्राई करके दिखाऊँगी, अभी मैंने थोड़ा जल्दी में किया है, क्रीज पर सिर्फ ब्लेंड किया है। और उसके बाद मैंने ये आईलाइनर यूज़ किया है ओरिफ्लेम का, ओरिफ्लेम का आईलाइनर इज़ द बेस्ट आईलाइनर, बहुत अच्छा आईलाइनर है ये, बहुत जल्दी ड्राई होता है और इसकी टिप भी बहुत अच्छी है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो ये आईलाइनर मैंने
लगाने के बाद मैंने फिर से ग्रीन कलर अपने आईज़ पर थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये शिमरी कलर्स हैं, मतलब ये थोड़ा पाउडरी कलर्स हैं, तो ये फॉल हो रहे थे और उसके बाद ज़्यादा अच्छे से ब्रश में नहीं आ रहे थे, ये मुझे ज़्यादा अच्छे कलर्स नहीं लगे क्योंकि मैट नहीं है। सो मुझे अच्छे से इसको ब्लेंड करना पड़ा और मतलब ज़्यादा ही पिगमेंटेड नहीं है ये कलर्स, बट स्टिल थोड़ा वर्क कर जाते हैं। उसके बाद मैंने ये मस्कारा लिया है लैक्मे का, और गाइस मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि ये मस्कारा बिल्कुल यूज़ मत करें। फ़िलहाल ये मैंने किसी ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मंगाया है, ये मैंने अपने लोकल स्टोर से लिया है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली ये एक तो वाटरप्रूफ नहीं है और दूसरा ये बहुत जल्दी सूखता भी नहीं, ड्राई भी नहीं होता, बहुत ही बेकार। बट इस टाइम मेरे पास सिंगल वन यही मस्कारा था तो मुझे ये यूज़ करना पड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर लेकर अपने आईज़ के नीचे लोअर लैश लाइन पे लगाया है, और उसके बाद मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि अगेन स्विस ब्यूटी का है हाइलाइटर, थोड़ा सा सॉरी ब्रश ब्लश प्लस हाइलाइटर कॉम्पैक्ट है ये, इसमें दोनों आपको कलर्स मिल जाएंगे, हाइलाइटर के भी और ब्लश के भी, वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और मैं आईब्रो पर्सन नहीं हूँ, सो प्लीज़ मेरे आईब्रो को एक्सक्यूज़ करें, मैंने आईब्रो नहीं बनवाई हैं, सो इस वजह से वो आईब्रो नेचुरल मेरी ऐसी ही हैं। और ये देख सकते हो आप मस्कारा किस तरीके से मेरा लैश की वजह से फैल गया है, मेरे फेस पर आ गया है, जो कि मैंने वाइप से बाद में इसको क्लीन कर लिया था थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ की है, अपने लोकल स्टोर से ली थी मैंने ये लिपस्टिक, आई थिंक ये कौन सा ब्रांड है मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है। सो ये पिंक कलर की लिपस्टिक, आप चाहें तो न्यूट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आई शेडो या आई मेकअप थोड़ा सा हैवी है या थोड़ा सा ब्राइट है तो आप न्यूट कलर के साथ जा सकते हैं, बट यहाँ मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है अपने लिप्स पे। ओके सो या इट्स रेडी। तो ये है मेरा फाइनल लुक जो मैंने ये मेकअप से अचीव किया है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see